तुम भी इसी मॉल में हो? What to do? मॉम के साथ शॉपिंग करना है। मम्मी के साथ शॉपिंग कौन करता है? मामाज बॉय। Are you okay? मैडम। क्या खिखी करके हंस रही है? Excuse me? Excuse you? Why? Where's your bag? Hello? आ जाते हैं इंडिया से मुंह उठा के। हेलो, तो आप कौन से चाइनीज हो? हैं? स्वीटी यार, आप किससे पंगा ले लिया तूने? अरे यार, एक बुड्ढी गिर गई, ऊपर से मुझे बातें सुना रही है। बुड्ढी? तूने मुझे बुड्ढी कहा? तो और क्या कहूँ, गुड्डी अले अले गुड्डी पे थे आप, गिर गए, आपको चोट तो नहीं लगी गुड्डी जी? किस बुड्ढी की मदर सिस्टर कर रही है तू? अब देख मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। क्या कर लोगे आप? मेरा पुत्र ऐसे ही है इसी मॉल में। तो मेरा बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे, बुला लो अपने पुत्र को, कराती हूँ दोनों की फाइट। करो मॉम, है मेरी, शी इज माय मॉम, मॉम मॉम। हाँ हाँ पता चल गया, मम्मी जी। अब बुला अपने बॉयफ्रेंड को, दिल देख कैसे मेरा करण उसका कचुंबर बनाता है। खुद का कचुंबर मैं कैसे बनाऊं? अब मैं कह रहा हूँ काय बॉयफ्रेंड, मैं उसका कचुंबर बनाऊंगा। वेयर इज ही, वेयर इज ही, वेयर इज ही? हां नहीं 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 नहीं, आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी, मेरी गलती थी, इट वाज माय मिस्टेक, प्लीज माफ कर दो ना। माफी, सॉरी, मिस्टेक, गलती, चार बार बोल दिया, फॉरगेट इट, फॉरगिव, लेट्स गो। नहीं नहीं, हजार बार बोले तो भी ना माफ करूं मैं तो बुड्ढी हूं ना। अली लिली गिल गई। हां बुड्ढी बोला इसने मुझे। नहीं नहीं, अली लिली गिल गई भी बोला। अब बोल काफी लेके आती हूँ। फैंटास्टिक, ना जी ना, जहर डाल के लाएगी है। ना जी, अंधा होगा इसका बॉयफ्रेंड, तभी तो इसके साथ है। नौकर बना के रखना इसने, नौकर, और अपने ससुर को तो जूती भी नहीं समझेगी है। और बेचारी सास, सास को तो सांस भी नहीं लेने देगी है। यार मुझे क्या पता था कि वो मॉम, लेकिन मेरे को पता था कि तेरी बुड्ढी ने ना, मेरा मतलब तेरी मॉम ने ना, कोई ना कोई सियापा जरूर डालना है। और ये विंकल अचानक कहाँ से टपक गई? नहीं अचानक नहीं, वो हम पहले से तो पहले से प्लानिंग चल रही थी तेरी। स्वीटी, विंकल संधू साहब की बेटी है, संधू साहब ने डैड की कितनी हेल्प की है बिजनेस सेटअप करने में, इज आवर गॉडफादर। अच्छा, और तू अब उस गॉडफादर को अपना फादर इन लॉ बना के वो एहसान उतार रहा है, टाइम पास कर रहा था तुम्हारे साथ। टाइम पास? स्वीटी, तेरा कोर्स खत्म होते ही लंदन से यहाँ तक आ गया तेरे पीछे पीछे, कढ़ाई में कर्चिया घुमा रहा हूँ 6 महीने से। तुझे लगता है आई लाइक दिस रेस्टोरेंट एंड ऑल? किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए ना। बट फायदा क्या हुआ यार, 6 महीने से सुन रही कि तू अपने मामा जी से बात करेगा, फिर वो तेरी मॉम से बात कर लेगी, सब रॉकिंग हो जाएगा। और हुआ क्या? इससे अच्छा था तू अपनी मॉम से डायरेक्ट बात करता। तूने छोड़ा बात करने लायक? हाँ, मैंने कहा था टाइमर में मिलवा दूंगा स्वीटी। नहीं लेकिन तू खुद ही मिल ली। अरे गुटी गिल गई, गुटी गिल गई। मॉम सबकी बुड्ढी होती है, पर बुड्ढी को बुड्ढी बुलाना जरूरी होता है। हा? अरे हाँ, लेकिन अभी करना क्या है? संदूस को हमारे खानदान में इंटरेस्ट है। हाँ तो विंकल की शादी होगी, हमारे खानदान में ही होगी। तो वो तुमने वादा किया था ना कि बात करोगे। वो पापा जी का मूड कल थोड़ा खराब था, पकोड़े जल गए थे। पकोड़े जल गए? अब हमारा फ्यूचर पकोड़ों पे डिपेंड करता है। देख नफीसा, कल ना पापा लंदन जा रहे हैं करण के रिश्ते की बात करने के लिए, तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं जीतू बुआ को सब बता दूंगा। नाराजगी खत्म? जी नहीं, गैर मौजूदगी पे हंसी आ गई। तुम्हारी संगत का असर है ना चरण, तुम्हें पापा जी से कभी ना कभी तो बात करनी पड़ेगी ना। हाँ तो जीतू बुआ करेंगे ना? हाँ, पापा ना उन्हें रब की तरह मानते, उनकी बात को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी जीतू बुआ को तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग? यू मीन मुस्लिम एंगल? क्या है ना, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या गुजराती, पापा के लिए तो सब आउटसाइडर है। उन्हें वो प्रॉपर सिकनी बहू चाहिए ना।